नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाउटी ने वर्ष 2021-22 के दौरान मध्य रेल के 136 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए व्यक्तिगत महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई मध्य रेल सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह में विभागों, कारखानों, इकाइयों को 21 शील्ड प्रदान किए गए। उन्होंने मंडलों, कार्यशालाओं, रेलवे स्टेशनों को अंतरमंडल दक्षता शील्ड भी प्रदान की। मुंबई मंडल और नागपुर मंडल ने संयुक्त रूप से संपूर्ण दक्षता शील्ड जीती। पुणे मंडल ने कार्मिक शील्ड और नागपुर मंडल के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षा शील्ड जीती। नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने संबंधित विभागों के शाखा अधिकारियों के साथ शील्ड प्राप्त की। नागपुर मंडल ने अकाउंट्स और ऑपरेटिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शील्ड जीती। भुसावल और नागपुर मंडल ने संयुक्त रूप से वर्क्स एफिशिएंसी शील्ड जीती। नागपुर मंडल के मुलताई स्टेशन को दूसरे बेस्ट गार्डन के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बी के दादा भोए, अपर महाप्रबंधक डॉक्टर ए के सिन्हा, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, तमाम विभागों के प्रमुख और शील्ड जीतने वाले मंडल के मंडल रेल प्रबंधक उपस्थित थे। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल के अथक प्रयास से मनपा लकड़गंज जोन के जोनल चिकित्सा अधिकारी आशिक बंसोड़ द्वारा वैष्णोदी चौक सीए रोड में बरसाती नाले की सफाई शुरू हो गई है। मनपा लकड़गंज जोन में बंसोड़ के निर्देश पर राजू जुमड़े व राष्ट्रपाल रंगारी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा नाले में से मिट्टी और कचरा निकालना शुरू कर दिया है। आगामी बरसात में नाले से बरसाती पानी के बहाव की सुविधा के लिए यह कार्य शुरू किया गया है। मनपा जोन अधिकारी आशिक बंसोड़ ने मनोज अग्रवाल एवं अन्य लोगों के साथ इस कार्य का निरीक्षण किया। स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली और मनपा लकड़गंज जोन के स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अग्रवाल का आभार माना। इस अवसर पर विनोद कोचर, अशोक सावरकर, मनोज सतीजा, मनोज पुरोहित आदि उपस्थित थे। प्रभाग 11 गोरेवाड़ा उत्थान नगर के सभी नाले आउट में पूर्व उप महापौर संदीप जाधव के निधि से इस क्षेत्र में विकास कार्य किया गया। इस क्षेत्र के रहवासियों ने जाधव से कहा कि एक महीने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, उस समय इस क्षेत्र में जीव जंतु, सांप, अजगर, बिच्छू, मेंढक, अन्य जीव जंतु घर में घुस जाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के रहवासियों के मन में डर रहता है। पूर्व उप महापौर जाधव ने रहवासियों की शिकायत पर उनकी निधि से बीएमएस रोड का निरीक्षण किया तथा मुरुम गिट्टी बुल्डर डालकर सड़क का काम पूरा किया। कुछ जगह पर इलेक्ट्रिक पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई। इस कार्य में पूर्व पार्षद सुनील अग्रवाल ने मदद की। इस अवसर पर प्रभाग 11 के भाजपा अध्यक्ष विद्याधर मिश्रा, विवेक राउत, नरेश शेखपेटवार, प्रकाश यादव, शिवप्रसाद शर्मा, मनोज चंद्रवंशी, हरीश भाई आदि उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित वयोश्री योजना सुरेश भट्ट सभागृह में पिछले कई दिनों से शुरू है, किंतु गर्मी के मौसम को देखते हुए बुजुर्गों का बाहर धूप में निकलना काफी मुश्किल हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा एनजीओ आघाड़ी द्वारा उत्तर नागपुर के जरूरतमंद लाभार्थियों को महेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात वहां के जरूरतमंद लोगों के पहचान पत्र लेकर उन्हें मिलने वाले वयोश्री योजना का लाभ की जानकारी दी गई तथा उन्हें सुरक्षित सुरेश भट्ट सभागृह ले जाकर उन्हें योजना का लाभ प्राप्त कराया गया। इस अवसर पर भाजपा एनजीओ आघाड़ी के अध्यक्ष नरेश झुमानी, जेठानंद खंडवानी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस अवसर पर महेंद्र राउत, रविकांत तिवारी, प्रेम कुमार पांडे, सुमित शुक्ला, अनिल गिरी, अशोक चांदेकर, योगिनी फुरसुंगे एवं आदि भाजपा एनजीओ आघाड़ी के सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्र सरकार की इस योजना की सभी लाभार्थियों ने सराहना की। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अमृतलाल नागर सुरजन पीठ की ओर से वर्धा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कस्तूरबा सभागार में नए प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की रही तथा विशेष सानिध्य डॉ. योगेंद्रनाथ शर्मा का प्राप्त हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग की ओर से लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस लोकार्पण समारोह में रमेश पोखरियाल निशंक की भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक मैं गंगा बोल रही हूँ एवं प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक सफलता के शिखर तक पहुँचाती है विनम्रता का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर डॉक्टर जयंत उपाध्याय डॉक्टर अमित कुमार विश्वास द्वारा संपादित पुस्तक रजनीश कुमार शुक्ल से संवाद, प्रोफेसर रजनीश शुक्ल द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन और निरंतरल सभ्यता का पक्ष एवं भारतीय ज्ञान परंपरा और ऋषभ कुमार मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक शिक्षा जो स्वर साध सके, वागीश शुक्ल की पुस्तक छंद छंद पर कुमकुम समेत विभिन्न विषयों पर लिखे गए 14 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के 545वें प्रकट महोत्सव के अवसर पर श्री मदन मोहन जी हवेली न्यू इतवारी रोड पंडित बच्छराज व्यास चौक में बधाई कीर्तन हुआ एवं श्री बालकृष्ण लाल जी हवेली धारस्कर रोड में मंगला दर्शन में प्रभात फेरी कर कीर्तन की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुखिया ब्रजेश व्यास ने बताया, श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ तथा पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। उनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1535 में दक्षिण भारत के काकरवाड़ में तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के यहाँ हुआ। यह स्थान वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में है। वर्तमान में इसे वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर सभी वैष्णवों ने प्रसाद का लाभ लिया। वीएमवी महाविद्यालय में परामर्श प्रकोष्ठ का हाल ही में उद्घाटन किया गया। विशेष रूप से विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी भावनिक मानसिक उतार चढ़ाव से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु इस परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। परामर्श प्रकोष्ठ की समन्वयक तथा गृह अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर सीमा पांडे ने परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना और उसके पीछे उद्देश्य को अपने प्रास्ताविक भाषण में रेखांकित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने परीक्षा काल की तनावग्रस्तता और समुपदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका आदि विषयों पर प्रकाश डाला। प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित परामर्शदाता और सफल व्यवसायी अनिल जैन ने परीक्षा का तान तनाव पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए कहा, तनाव का मानसिकता से गहरा संबंध होता है। मन जब तक शांत और प्रफुल्लित नहीं रहेगा तब तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक आत्मसृजन तनाव दूर करने का एक प्रभावी साधन है। संस्थाध्यक्ष योगेश पटेल ने अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें जीवन सानंद जीने का संदेश दिया। कार्यक्रम का सुचारू संचालन प्राध्यापिका राधा मोहरे ने तथा आभार दर्शन डॉक्टर नीरव पंड्या ने किया। परामर्श प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। बाबा नानक सिंधी हिंदी हाईस्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन, इंद्रधनुष स्मरणिका का विमोचन प्रमुख अतिथि पूर्व नागपुर के विधायक कृष्ण खोपड़े के हस्ते किया गया। इस अवसर पर सिंधी हिंदी विद्या समिति के अध्यक्ष HR बाखरू, चेयरमैन डॉक्टर विंकी रुगवानी, महासचिव डॉक्टर IP केसवानी एवं विशेष अतिथि डॉक्टर महेश फुलवानी एवं सुप्रसिद्ध समाज सेवक प्रफुल्ल गणात्रा, सुभाष कोटेचा आदि उपस्थित अतिथियों का सत्कार शॉल, श्रीफल, पौधा तथा भेंट वस्तु देकर किया गया। अन्य शालाओं के मुख्याध्यापक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्राचार्य SA बजाज ने किया। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति छात्र छात्राओं द्वारा की गई। संचालन PV मेघराजानी एवं सुनील बिखानी ने किया। आभार प्रदर्शन उप प्राचार्य सजीवन ने किया। कार्यक्रम की सफलता हेतु पर्यवेक्षिका DN गोड़े, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने अथक प्रयास किया। राज्य सरकार के 30 दिसंबर 1999 के आदेशानुसार नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए हर महीने के पहले सोमवार को लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। तदनुसार 2 मई 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार में लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संभागायुक्त नागपुर संभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसलिए मनपा के तमाम कक्ष प्रमुख और सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश मनपा आयुक्त ने दिए हैं। नागपुर महानगर पालिका ने संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित रहे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,314 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,71,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,08,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर मनपा और OCW द्वारा किए गए एक GIS सर्वेक्षण से पता चला कि आशीनगर क्षेत्र में बिना की एक कमांड क्षेत्र में 2,659 अनधिकृत नल कनेक्शन थे। गर्मियों के दौरान और आगामी ईद त्योहार के दौरान अवैध पाइपलाइन एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। अवैध नल कनेक्शन के कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और मनपा द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर मनपा ने आशीनगर जोन के बिना की एक कमांड एरिया में अवैध प्लंबिंग कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जलापूर्ति विभाग ने बताया कि मनपा द्वारा 4 मई 2022 से OCW के सहयोग से क्षेत्र में लगभग 2,659 अवैध नल कनेक्शनों को काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जलापूर्ति विभाग के अनुसार आशीनगर जोन में प्रवेश नगर, महबूबपुरा, योगी अरविंद नगर, हमीद नगर, पांडे बस्ती, संगम नगर, ख्वाजा STD परिसर, यशोधरा नगर, गरीब नवाज नगर, शिव शक्ति नगर, संजीवनी क्वार्टर, सरोदाबाद, वंसले बस्ती आदि स्थानों में 1,500 से अधिक ग्राहकों के दोहरे कनेक्शन है। इनमें से एक कनेक्शन वैध है और दूसरा अवैध। उक्त बस्तियों में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक 2 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू का शुक्रवार 29 अप्रैल को सुबह 10:15 बजे विशेष विमान से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन हो रहा है। हवाई अड्डे पर स्वागत के पश्चात वे राजभवन की ओर रवाना करेंगे। वे नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्टर टेक्सास के 74वें भारतीय राजस्व सेवा के कार्यक्रम में दोपहर 4:15 बजे शामिल होंगे। इसके पश्चात दोपहर 5 बजे वे नागपुर हवाई अड्डे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहां से वे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज दौरे पर नागपुर आ रहे हैं। वे आज शाम 7 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। रात को वे राजभवन में विश्राम करेंगे। तत्पश्चात दूसरे दिन उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू के आगमन पर शुक्रवार 29 अप्रैल को सुबह 10:15 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। दोपहर चार बजे वे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के साथ उपस्थित रहेंगे। शाम को 5:15 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति नायडू के दिल्ली प्रस्थान के समय वे उपस्थित रहेंगे। शनिवार 30 अप्रैल को दोपहर 4:30 बजे राज्यपाल कोश्यारी औरंगाबाद की ओर प्रस्थान करेंगे। VIA कराधान और कॉरपोरेट लॉ फोरम ने VIA ऑडिटोरियम नागपुर में महाराष्ट्र एमएनएसटी स्कीम 2022 पर राज्य GST अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक का आयोजन किया। मुख्य अतिथि अनंत रख, अपर आयुक्त स्टेट GST नागपुर डिवीजन ने इस योजना के उद्देश्य के बारे में बताया कि महाराष्ट्र सरकार माल पर कर की शुरुआत से पहले विभिन्न करों के लिए सबसे उदार और आकर्षक माफी योजना लेकर आई है। सेवा कर, GST कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क अधिनियम 2022 के बकायेदारों को एक अधिनियम में लाया गया है। उन्होंने करदाताओं को एमएनएसटी योजना 2022 का पूरा लाभ लेने पर जोर दिया और यदि करदाताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे कर के बारे में स्पष्टीकरण के लिए राज्य के कर अधिकारियों से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि माफी योजना से व्यापार और उद्योग जगत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। करदाताओं के पास इस योजना का लाभ उठाने और GST से पहले के सभी लंबित विवादों को बंद करने का अवसर मिलेगा। इस आशय के विचार रखने व्यक्त किए। मध्य रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS जनक कुमार गर्ग और कुछ अन्य मेट्रो रेल अधिकारियों ने महामेट्रो नागपुर के रीच 2 के तहत कस्तूरचंद पार्क से ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। पहले दिन गर्ग ने रीच 2 लाइन पर गड्डी गोदाम चौक, नारी रोड और ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक महेश कुमार, रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स निदेशक सुनील माथुर, कार्यकारी निदेशक उदय बोरवणकर, रमन वासे, सिन्हा महाप्रबंधक सुधाकर उराडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक प्रकाश मुदलियार, आशीष सांघवी, हिमांशु घाटवारी, परियोजना निदेशक रामनाथन, सह महाप्रबंधक नरेंद्र उपाध्याय और महामेट्रो नागपुर के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन के लिफ्ट, एस्केलेटर, अग्निशमन उपकरण, स्टेशन के दोनों ओर आगमन प्रस्थान व्यवस्था, ग्राउंड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल और प्लेटफॉर्म के साथ साथ मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया और विस्तृत समीक्षा की। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग यात्रियों के कई नई सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने गड्डी गोदाम गुरुद्वारे के सामने 4-स्तरीय स्टील गर्डर का भी निरीक्षण किया जो तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्य माना जाता है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित किस्सा कोई कार्यक्रम का आयोजन किया। अमृतलाल नागर सृजन पीठ द्वारा आयोजित वर्धा साहित्य महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में लक्ष्मीबाई की शक्ति गाथा गूंजी। डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर केंद्रित किस्सा गोई की प्रस्तुति दी। किस्सा गोई की शुरुआत में हिमांशु वाजपेयी व प्रज्ञा शर्मा ने रानी के बचपन का जिक्र किया। उन्होंने 13 वर्ष की मनु से रानी लक्ष्मीबाई बनने की संपूर्ण गाथा का वर्णन किया। एक बार घुड़सवारी में नाना साहब के घायल हो जाने पर 13 वर्ष की मनु ही उन्हें अपने घोड़े पर बैठाकर कोठी तक लेकर आती है और अपने पिता और घायल नाना को हौसला देती है। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है और वह उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिलता है। सहेलियों को युद्ध कला में पारंगत करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झांसी पहुंचते ही रानी ने राजमहल में कार्यरत महिला कर्मचारियों को न सिर्फ अपनी सहेली बनाया बल्कि उनको कुश्ती, मलखम, घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कला में पारंगत भी किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी रानी लक्ष्मीबाई काफी दूरदर्शी थी। उनकी असाधारण वीरता की सराहना प्रतिद्वंदी अंग्रेज अफसरों ने भी की। मोमिनपुरा एमएलए कैंटीन कमेटी की तरफ से एमएलए कैंटीन चौक पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डीसीपी राजमाने, गांधीबाग पुलिस स्टेशन तहसील की पुलिस निरीक्षक सवाने, अब्दुल रहीम सिद्दीकी, रसीद ठेकेदार अकरम भाई, प्यारे साहब कुरेशी, मुजाहिद खान, सद्दाम अंसारी, फजलुर रहमान कुरेशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। डीसीपी राजमाने ने सभी मुस्लिम बंधुओं को रमजान की मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे नागपुर शहर में सभी धर्म के लोग एक साथ सभी त्योहार साथ में मिलकर मनाते हैं। कमेटी की तरफ से सभी मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक मोहम्मद अकरम बब्बू, रशीद भाई ठेकेदार, जहीर भाई, जबीर खान, शब्बीर अंसारी, मोहम्मद अकीब कुरेशी, प्यारे साहब कुरेशी, मोहम्मद सलमान, रफत लारी, रिजवान खान, आसिफ अंसारी और कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भीषण गर्मी के सीजन जहां नागरिकों को बिजली बिल भी अधिक राशि आ रहे हैं, वहीं महावितरण ने नागरिकों पर अचानक सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी बोझ बढ़ा दिया है। शहर भाजपा ने इसका विरोध करते हुए महावितरण के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के का घेराव कर विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा है। भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में विधायक कृष्णा खोपड़े, संजय भेंडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। दटके ने कहा कि गर्मी के दिनों में वैसे भी नागरिकों को अधिक राशि के बिजली बिल आ रहे हैं, उस पर भी सुरक्षा जमा का बिल थमाना अन्यायकारक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा न करें, किसी का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। भाजपा ने बिजली बिल में 25% कटौती करने, रोज हो रही लोड शेडिंग भी बंद करने की मांग रखी। मुख्य अभियंता ने कहा कि कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। दटके ने कहा कि 2002 के कानून के हिसाब से अभी नागरिकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल कर सरकार अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। दटके ने कहा कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नागपुर और जेडी स्पोर्ट्स फाउंडेशन नागपुर ने संयुक्त रूप से 27 अप्रैल को अंबाजरी गार्डन नागपुर में युवाओं के लिए जेडी लाइफ सेवर बेसिक का प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी आर विमला की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन में स्थानीय युवाओं की भागीदारी के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवा लगातार अपने जुने हुए क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो अधिकाधिक युवाओं के हाथों से महान कार्य हो सकते हैं। आपात स्थिति उत्पन्न होने पर युवा तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभाल सकते हैं। जेडी लाइफ सेवर पहल के माध्यम से नागपुर जिले के युवाओं को कोविड अवधि के दौरान ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से विभिन्न विषयों जैसे रोड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, मेडिकल फास्ट एड, आपदा प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस पहल के समापन कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर उनकी सराहना की। इस योजना में अंबाजरी गार्डन में राज्य आपदा रिस्पांस टीम नागपुर द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने, CPR, संपर्क पद्धति और गैर संपर्क पद्धति, मानक उपकरण, बेहतर उपकरण, तैराकी आदि पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में धर्मपेट और गांधीबाग जोन के एनडीएस दस्ते ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। टीम ने धर्मपेट जोन के अंतर्गत मनीष मार्केट सीताबरडी में स्मार्ट मोबाइल दुकान से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इसी तरह गांधीबाग जोन के अंतर्गत गांधीबाग नंगा पुतला में अग्रवाल ट्रेडर से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करते 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई उपद्रव खोजी दल के प्रमुख विरसन तांबे के नेतृत्व में की गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।